नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। और चुनावी सर्वे लेके फिर दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। आज पहुंचे हैं बादली हलके के अंदर और गांव है सिलाणी। सिलाणी गांव के हमारे पास साथ जो हैं भाई युवा साथी बैठे हुए हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, नंबरदार साहब बैठे हैं। जानते हैं बादली हलके का क्या माहौल है और बादली हलके के अंदर जनता जो है को किस सरकार की तरफ, किस नेता की तरफ जाना चाहती है, झुकाव किसकी तरफ, आइए जानते हैं। राम राम नंबरदार जी। राम राम भाई, कैसे हो? बढ़िया। हाँ भाई, क्या लग रहा है नंबरदार जी, अब की बार चुनाव, विधानसभा चुनाव आ गया है, नामांकन चालू हो रहे हैं, यहाँ से भी नामांकन भर दिया है, हर पार्टी की तरफ से नामांकन चालू हो रखे हैं, क्या लग रहा है आपको, बादली हलके का माहौल क्या है? भर दिया भाई, कल नामांकन भरया कुलदीप वत्स ने। अच्छा। और बढ़िया प्रोग्राम है उसका, और मारे गामा में भी सारा गाड़ा का कुलदीप वत्स का ये जोर है ज्यादा। अच्छा, ज्यादा जोर है। ज्यादा जोर है। क्या वजह लग रही है आपने, ज्यादा जोर किस वजह से? लहर है कांग्रेस की बार। अच्छा। बीजेपी ने क्या कराया कौन है? अच्छा। 10 साल में किस वजह से इतना बीजेपी से नाराजगी, क्या काम आप चाहो थे भाई होने चाहिए जो नहीं हुए? नाराजगी भाई पहलवाना के ये नहीं, कैसाना के ये नहीं, और भाई जवाना के ये नहीं। अच्छा, तो इस वजह से लग रहा है आप? इस वजह से ये कांग्रेस बीजेपी पार्टी तो कह रही है भाई हमने नौकरी खत्म, हमने इतना नौकरी दी है, बेरोजगारी खत्म कर दी है, और हमने किसानों के लिए एमएसपी भी गारंटी दे दी है, एमएसपी की भी जो पीछे घोषणाएं की है मुख्यमंत्री अपने नायब सैनी ने, उन्होंने भी घोषणाएं करी हैं, तो उनका किस वजह, किस चीज़ से जवाब दोगे? कुछ ना भाई साहब, इन्हें घोषणा करी है कागज कागज में। अच्छा। और कुछ ना करे, नौकरी दे दी वह 4 साल की दे दी, और जो एमएसपी बढ़ावे थे जमींदार क्यों बैठे रहे जब तक रोड के ऊपर? अच्छा, तो कोई काम नहीं करेंगे? कोई काम नहीं करे। तो आप न लग रहा है कांग्रेस पार्टी आएगी तो काम होएंगे? कांग्रेस पार्टी आओगी तो काम होंगे, पहले भी हुए हैं। अच्छा, पहले हुई हैं। हाँ। जब 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हाँ, खूब काम हुए हैं। अच्छा। हाँ। काम हुए थे, करीब की बार भी काम होंगे। काम होंगे, तो यहाँ से क्या लग रहा है आपने, कुलदीप वत्स का कैसा माहौल है, किस तरीके का जन समर्थन? कुलदीप वत्स पहले है ज्यादा मार्जिन लेगा इसके बार यहाँ से। अच्छा, जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा बहुत भारी मार्जिन से जीतते हैं, 47,000 वोटों से बादली हल्के से जीतते हैं, एक रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन है, तो कुलदीप वत्स का क्या लग रहा है मार्जिन आप? यो भी तोड़ेगा, यो भी 50,000 तो जाएगा मार्जिन। 50,000? हाँ। तो फिर दूसरे जो उम्मीदवार आ रखे हैं जिसमें धनखड़ साहब भी, मंत्री भी रह लिए हैं, धनखड़ साहब का क्या लग रहा है? कुछ को रहा, धनखड़ साहब तो पहले बने जब भी न्यू कहा करता छलानी में हम जाते काम, आग भाई तब लगे वोट दे रखी है। अच्छा, तो उसकी कौन देगा? और जो हमने सुनने में आया कि भाई जिस तरह सिलाणी से भी कुछ हैं नेतागण जो चाहते हैं लड़ना इलेक्शन, और सिलाणा से भी आ रहा है नाम सामने जेजेपी और इनेलो की तरफ से उम्मीदवार हैं, इनका क्या लग रहा है? और जो इनेलो मतलब इनेलो पार्टी से कह रहा हूँ, और इसके अलावा निर्दलीय भी कुछ आने की सोच रहे हैं, उनका कोई आपने लग रहा है वजूद इनके सामने? भाई मन्नत कोई वजूद लगता को, एक जीतते ना भरया था कल बादली थे उसका भी ना लग गया, मन्नत मजा रहा था कल उड़े। अच्छा, कल आप उनके उसमें थे, इस पंचायत में? हाँ, पंचायत में। तो कितना क्या रुझान था, क्या भीड़ थी? घनी ठाडी भीड़ थी। अच्छा, तो फिर लग रहा है आपने वो टक्कर दे पाएंगे कुलदीप वत्स को यहाँ से? जीते हम में क्या टक्कर देगा वो, बादली माते टक्कर ना दे। अच्छा, आप बादली कुलदीप वत्स के नामांकन की बात कर रहे हो, आप जहाँ थे आप कुलदीप वत्स के नामांकन में भीड़ थी? हाँ। कितने आदमी थे? आदमी भाई कम से कम भी 50,000। अच्छा जी, इतनी भारी संख्या में भीड़ थी, देख लो इतनी भीड़ थी वहाँ पे मतलब। तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे प्रधान जी, कि जो दीपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा लेके चल रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, उससे क्या वाकिफ रखते हैं, ठीक है गलत है, क्या है वो? बढ़िया है। अच्छा, पर ये हिसाब देते तो कौन है भाजपा? अच्छा, क्या लग रहा है उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये तो नहीं होगा, हम तो थरता ही सरकार दे जाएंगे हिसाब कौन है? अच्छा, सरकार ही दे देंगे? सरकार दे जाएंगे। तो अब की बार बदलाव का पूरा मूड है? पूरा पूरा बदलाव का मूड है पूरा। तो लग रहा है यहाँ से कुलदीप वत्स सीट निकाल लेंगे? चारों के चारों काट देंगे। झज्जर में झज्जर हल्के की बात कर रहे हैं आप, चारों सीट आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस बढ़िया सीट काट देंगे। अच्छा, और 90 में से क्या सीटों का लग रहा है आपकी बार, जिस तरह अगर आप कह रहे हो सरकार बनाएंगे? 90 में से पूरा हरियाणा में 70 सीट काट देगी कांग्रेस। 70 सीटों पर कांग्रेस लग रही है? हाँ, ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है? बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद नंबरदार जी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, क्या लग रहा है सिलाणी गाँव से? हाँ जी, क्या लग रहा है सिलाणी का क्या माहौल आपकी बार? माहौल कांग्रेस के साथ है भाई साहब। अच्छा, क्या वजह है कांग्रेस का? कांग्रेस काम करने वाली पार्टी है। बीजेपी ने काम नहीं कराई? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करवा जिससे कि किसी लोगों को खुशी हो। अच्छा। बाकी कांग्रेस काम करती है हर चीज में कमेरे के साथ। काम लग रहा है आपने जो बीजेपी में, बीजेपी सरकार ने नहीं कराया जिनकी वजह से आपके अंदर दुख है, रोष? बीजेपी ने खाली रोड के सिवा किया है क्या, आप बता दो। अच्छा, रोड बनवाए हैं? हाँ, रोड बनवाए हैं। अच्छा, और कोई काम नहीं करा?
और ऐसा कोई काम नहीं कर रखा किसी के लिए जो पर्सनल के कोई आदमी उसके ये सोच के वोट दे भाई इसने मेरा ये काम किया। विरोध कह रहे हैं हमने तो किसानों की समस्याएं दूर कर दी, पानी की निकासी दूर कर दी, पानी आराम से जिस तरह बारिश में दुख ही होया करते किसान, इसके अलावा हमने बेरोजगारों को रोजगार दिया है। भाई साहब खारे पानी में तो खेती चल रही है, ठीक है, लोगों के धान ऊपर की बजाय नीचे की तरफ जा रहे हैं, अब इसको आप कुछ भी लगा लो। उन्होंने जो किया वो जाके खेत में देख लेंगे जो किसानों के लिए कर रखा है। बाकी तो ऐसा तो कोई माहौल लगता नहीं भाई कि इन्होंने कुछ किया, इनको कोई वोट देगा। अच्छा, वोट तो मिलेगी अब की बार कांग्रेस को ही। कांग्रेस को मिलेगी? हाँ जी। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी काम कराएगी? कराती है, हर बार कराती है, पहले भी कराए हैं, अब भी कराएगी। अब भी कराएगी? हाँ, जब कुलदीप अपने यहाँ है जी, कुलदीप जीतेगा और कम से कम 50-60 हज़ार वोटों से जीतेगा। अच्छा, मतलब आपने रिकॉर्ड मार्जिन लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल, रिकॉर्ड एक तरफा कर रहे हो, एक ही तरफा। और जो बीजेपी पार्टी या और जो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं वो नहीं वोट तोड़ेंगे? नहीं, वोट तोड़ लेंगे जब वो 5-5, 7-7 हज़ार वो भी ले लेंगे, उनको कौन इनकार करता है। बाकी एक तरफा इलेक्शन है अब की बार। एक तरफा इलेक्शन? हाँ जी। तो मतलब कितनी सीटें लग रही हैं, 90 में से कितनी सीटें निकाल रही कांग्रेस पार्टी अब? 70-72 सीट है भैया। 70 सीटें लग रही हैं आपने? 70 तो कन्फर्म है। जज्जर हल्के की बात करें तो चारों सीट जिस तरह मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी के ही है यहाँ से? चारों कांग्रेस की है। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा विधायकों पे ही भरोसा जताया अपना, इस चीज़ से आप कितने वाकिफ रखते हो? ठीक किया या कैसा? नहीं ठीक है, कांग्रेस को लग गया है जब भी, तो उन्होंने उस पर भरोसा जताया। अच्छा, अगर नहीं लगता तो वो किसी और को भी दे सकते थे टिकट। अच्छा, उनको लग गया है तभी तो दिया है। तभी दिया है? हाँ जी। तो मतलब इसलिए भरोसा जताया कि भाई वो यहाँ से मतलब अच्छे एक मजबूत कैंडिडेट? बिल्कुल मजबूत कैंडिडेट है, हर बार जीतते हैं। अच्छा, कई साल से जीतते आ रहे कंटिन्यू, या दूसरी सरकारें रही है जब भी वही विधायक रहे हैं। और जो भाजपा पार्टी की तरफ से जो एक मेन चीज़ है जो बादली हलके में पड़ता है सिलानी गांव, और बादली हलके का एक चीज़ सुनने में आ रही है युवाओं के अंदर है ना नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा हो रही है आज के दिन, ये क्या रीज़न लग रहा है आपने? भाई ये तो हर जगह सिलानी सिलानी में के किसी गांव में, बादली हलके की बात कर रहा हूँ, बादली हलके में खासकर आ रहा है कि बादली हलके का जो युवा नशे की तरफ जा रहा है, नहीं क्या रीज़न लग रहा है ये? तो भाई देखो करने वाला ही बता सकता है, दूसरा आदमी क्या बताए दूसरे, ये तो नशे की तरफ पूरा हरियाणा। क्या रीज़न लग रहा है अनमरदा जी इसका, भाई क्यों जा रहा है युवा, क्या वजह है? मेरे ख्याल में बेरोजगारी है इसकी वजह। बेरोजगारी इसकी मेन रीज़न मांग रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो बेरोजगारी मतलब इसका मतलब तो यह है रोजगार नहीं हुए फिर, बच्चों को रोजगार नहीं मिले, जवान लड़कों रोजगार ना मिले तो अपने ठाली पड़े रहे फिर ना साम लाग गए अपने। अच्छा, यही रीज़न लग रहा है? यही रीज़न। तो कांग्रेस पार्टी ये बेरोजगारी खत्म करेगी? हाँ, खत्म करेगी बेरोजगारी। चलो भाई साहब थोड़ा सा इधर आ जाओ, आपसे भी एक लाइन में जवाब ले लेते हैं, क्या लग रहा है आपने, यहाँ जाओ, क्या लग रहा है आपने किसकी सरकार बनने वाली है अब की बार? मैं तो हिसार डिस्ट्रिक्ट का हूँ। अच्छा, ठीक से। बाकी माहौल क्या है? माहौल कांग्रेस का है, ओडो भी कांग्रेस का ही है। हाँ। और ये भाई बताऊँ कांग्रेस का है। अच्छा, हर तरफ कांग्रेस का लग रहा है? कांग्रेस का है। लोकसभा में भी अब की बार 5 सीटें निकाली कांग्रेस पार्टी ने? बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले ही दिक्कत थी भाई, और कांग्रेस की भाई ठीक से इन ज्यादा है, नहीं तो भाई कांग्रेस है ना 50 सीट तो पक्की लेके आओ। 50 सीट लग रहा है? पक्की लेके आओ, पक्की। एक तरफा मान रहे? एक तरफा है भाई। बात रही नशे की, नशा यो के है ये सरकार, जे कानून ने दबाव दो यार, नशा रह जे भाई साहब, आप ये बताओ हैं। हमारा गांव में इतना बूंदा हाल है, इसार में 7 रोड में रहूं मैं, कम से कम 200 बालक नशा करते हैं, चिट्टा पीते हैं भाई साहब हैं, जिनमें तो मैंने नौजवान छोरे 22-22 साल के छोरे टिक्के लगा लगा के कम से कम 50 बालक मेरा गई साल 2 साल में मर लिए। क्या वजह है सरकार इसके ऊपर मतलब अंकुश नहीं लगा? पुलिस वाली बताता हूँ, प्रशासन की कमी है, पुलिस का कोई पेश कर दिया 2 घंटे में छोड़ दिया। अच्छा, पुलिस 2 घंटे में उन्हें वापसी छोड़ दे हैं, कौन ओटा उन ओडो नशे चाहिए उनने छोरिया ने, ना उनका कोई जुम्मेवार ना। और यस, मैं तो सरकार को मानता हूँ भाई साहब, बेरोजगारी नहीं है, सरकार अगर दबाव देगी तो कैसे नशा चल जाएगा? जो नशा बेचनी है ना उनको पकड़ो, उनको पकड़ो, उन वह पीछे दे हैं स्टाफ ने, पुलिस ने दे हुए पीछे। और जो जिस तरीके से ये भाजपा पार्टी ये अग्निवीर जो लेके आई योजना, इससे आप क्या वाकिफ? मेरा खुद का छोरा तैयारी कर रहा था भाई फौज की। अच्छा, लेकिन मैंने टाल कर, क्या फर्क पड़ा इससे? मैंने टाल करवा दी भाई 4 साल की अंदर। अच्छा, मां रहने दे, मेरा छोरा घर बैठा है, ठीक नहीं है मतलब 21 साल का? नहीं बिल्कुल ठीक, क्या करेगा 4 साल में? बोला ये कर देंगे 15-13 लाख घर लिया होगा, 25,000 दे देंगे, क्या फायदा बाद में ये हो जाएगा? वो बाद की किसने देखी है? एक बार बच्चा शिफ्ट हो जाए आपका, 10-15-20 साल नौकरी कर ले, आए पाछे भी अपनी ज़िंदगी बनाओ, एक 4 साल में क्या कर लेगा बालक? 18 साल 19 साल 20 साल के बालक ने लगाओगे, 24 साल का भाई, आवाज़ में 44 साल का हो गया, अकल तो मानस मर्जे जितने भी को नहीं आवे,
लेकिन 24 साल में बोले इतना वो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप बताओ, 24 साल का ना जाएगा दिमाग, वो घरान दे फिर उसे खाली रहोगा वो उसे चक्कर मान देगा। मैं तो इससे खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ आप, बिल्कुल लगने तो आपने लग रहा है बदलाव करोगे अब की बार। बिल्कुल भाई साहब, जगह मैं यहाँ काम करने के लिए आ रहा हूँ, और मैं अगर वोट डालने जाऊँगा गाँव में तो मैं कांग्रेस को ही वोट डालूंगा। मैं बीजेपी का चाहे कोई मेरा कुछ भी करवाता हो ना करवाता हो, क्या करे, कुछ नहीं करती है। बीजेपी पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है कि हरियाणा में 3.0 सरकार बनाने जा रहे हैं हम, नहीं, नहीं मतलब ही नहीं भाई साहब। बाकी देखो अंदर का तो देखो हम के बताऊं, लेकिन हम तो खुले कहां आपकी मीडिया के माध्यम से भी कह रहे हैं भाई साहब, हम तो कांग्रेस की तरफ, पर कांग्रेस की लहर हमारा ये बरवाड़ा हल्का पड़ता है। पहले जोगीराम सियाग बीजेपी से थे, लेकिन अब की बार मैंने टिकट का पता नहीं कराया कांग्रेस की किसको मिली है, मिली नहीं है शायद एक दो दिन में आज तक। हम तो कांग्रेस को देंगे कांग्रेस की तरफ से भाई साहब। ये एमपी वाले इलेक्शन में भी न्यू कहती थी 400 पार और 240 भी दंगता नहीं थी उनके विधानसभा में, कह रहे थे 75 पार, हाँ वहाँ पे भी 40 आई थी। ये जमुना पार जाएंगे, ये अब की बार जमुना पार। तो ये सिलानी गाँव में नंबरदार जी बैठे हैं, भाई साहब भी बैठे थे और उन्होंने बात करी, खासे दुखी लग रहे हैं, रोष है बीजेपी पार्टी को लेके, हरियाणा के अंदर जो है काम को लेके किसान भी दुखी है, पहलवान भी दुखी है। तो ये कहना है भाई साहब का कि हम तो बिल्कुल अब की बार जो है बदलाव के मूड में है और बदलाव चाहते हैं हरियाणा के अंदर, और हरियाणा यहाँ हल्के की बात करें तो नंबरदार जी का मानना है कि चारों की चारों सीट हरियाणा के अंदर झज्जर डिस्ट्रिक्ट की चारों सीट जो है कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, ये नंबरदार जी ने कहा। और यहाँ से भी कुलदीप वत्स को एक तरफा समर्थन जो है लग रहा है कि वो यहाँ से एक तरफा समर्थन से जीत रहे हैं, एक तरफा जीत उनकी मान रहे हैं कुलदीप वत्स की। सिलानी गांव से हम दिखा रहे थे आपको जनता का मूड, लगातार ऐसा ही चुनावी सर्वे, आप भी हमें सजेस्ट कीजिए कौन से गांव में आएँ और कौन से गांव का सर्वे आपको दिखाएँ जहाँ से आपको पता लगे कि क्या माहौल है पार्टी का और कौन सी पार्टी की तरफ जनता जाने वाली है। सिलानी गाँव से सर्वे दिखाया, लगातार आपको दिखाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते रहिए सबकी खबर टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।